हो दीदी सकता है कहाँ आपका हो? नेटवर्क कनेक्शन, हाँ उनका हाँ नेटवर्क कनेक्शन हो रहा होगा, है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो अपन बात कर रहे थे कहाँ कहाँ की, छत्तीसगढ़ का प्रथम एथेनॉल पार्क है ना, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो क्या है, देखिए आज पेट्रोल की जो प्राइजेस है बहुत हाइक कर गई हैं, तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, आपकी जो पेट्रोलियम, आपकी जो सड़क परिवहन मंत्री हैं वही, उनका भी कहना था कि भाई हम एथेनॉल मिक्स करेंगे किस पर, पेट्रोल्स में, है ना। तो एथेनॉल क्या है, एथेनॉल शक्कर से निर्मित होता है ना। तो शक्कर से क्या होता है, एथेनॉल बनाया जाता, शक्कर सॉरी शुगर कैन से, है ना। शुगर कैन मीन्स गन्ने के से एथेनॉल का निर्माण, और एथेनॉल को किस में मिक्स किया जाता है, आपके पेट्रोलियम पदार्थों में मिक्स किया जाता है, जिससे क्या होता है कि एथेनॉल मिक्स करने से क्या होता है कि प्राइस कम हो जाती है पेट्रोल की, और आपको एक क्या पेट्रोल का एक क्या बोल सकते हैं आपको, उसका एक सब्स्टिट्यूट मिल जाता है ना। तो उससे निर्भरता भी कम होती है पेट्रोल की, पेट्रोल पर, है ना। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम एथेनॉल संयंत्र कबीरधाम जिले में स्थापित किया जा रहा है, कहाँ, भोराम देव सहकारी शक्कर कारखाना यहाँ है, वहां स्थापित किया जा रहा है। ठीक, फिर हम बात करते हैं कोंडा गांव में। कोंडा गांव में आपके मक्का एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जा रही है। देखिए अब कैसे कैसे आ रहे हैं कि भाई शक्कर के बाद आप किसकी, मक्का एथेनॉल संयंत्र, मक्का एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जा रही है, कहाँ जी, आपके कोंडा गांव में। ठीक, अब कोंडा गांव में क्या है, माँ दंतेश्वरी, माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण केंद्र है। ठीक, कहाँ जी, कोंडा गांव में। तो यहां पर क्या, मक्के से क्या बनाया जाएगा, एथेनॉल बनाने की मंजूरी मिली है यहाँ पर। ठीक, फिर अभी रायगढ़ बहुत फेमस रहा कोरोना का टीकाकरण की जो प्रथम डोज थी, यहाँ पर कोरो है ना वैक्सीन, कोविड वैक्सीनेशन में फर्स्ट डोज में, फर्स्ट डोज में ये फर्स्ट रहा, है ना। तो फर्स्ट डोज जो दिया गया उसमें 100% है ना टीकाकरण का जो लक्ष्य है रायगढ़ ने हासिल किया है ना। तो राज्य का प्रथम जिला है रायगढ़ जो 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन जिसने किया है। ठीक, फिर इसी तारतम्य में हम आगे बात करते हैं रेंगानार की। दंतेवाड़ा जो जिला है वहां पर स्थित है रेंगानार, क्या, रेंगानार, ये ग्राम है रेंगानार ग्राम, इसने 100% वैक्सीनेशन किया है ना। तो यहाँ 100% वैक्सीनेशन हुआ है रेंगानार, बहुत इंपॉर्टेंट है रायगढ़ जिलों के हिसाब से और ग्राम के हिसाब से। एक आदिवासी बहुल ग्राम रेंगानार जिसने 100% टीकाकरण हासिल का लक्ष्य हासिल किया है। ठीक, फिर हम दंतेवाड़ा की बात करेंगे जहाँ पर नेचुरोपैथी, एक एक प्रकार की शिक्षा पद्धति, चिकित्सा पद्धति है नेचुरोपैथी, यहाँ पर इसका क्या किया जा रहा है, यहाँ पर शुरुआत की जा रही है नेचुरोपैथी की। इसको बोलते हैं नेचुरोपैथी जो होती है, यहाँ पर ये पंचकर्म जैसे उपचार होते हैं इसमें शामिल होते हैं, केरल वेरल में इसको अधिकतर यूज किया जाता है, दक्षिण भारतों में इसको बारे में सुनने को मिलता है और दक्षिण एशियाई देशों में। तो छत्तीसगढ़ में पहली बार दंतेवाड़ा में क्या चालू कर रहे हैं अपन, नेचुरोपैथी, है ना। फिर हम आगे बात करते हैं बस्तर में। तो बस्तर में पर्वतारोहण एकेडमी की शुरुआत की जा रही है। ठीक, तो बस्तर जो है वहां पर पर्वतारोहण एकेडमी की शुरुआत की जाएगी, एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, है ना। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए कहाँ, बस्तर में आपके पर्वतारोहण अकादमी की शुरुआत की जाएगी। ठीक, फिर गौरैया तीर्थ है यहाँ पर बालोद में, देश का पहला एयर सेंटर, देश का फर्स्ट
चाइल्ड केयर सेंटर कहाँ स्थापित किए जा रहे जी? बालोद में, है ना? और क्यों स्थापित किया जा रहा है? तो देश में बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए क्या यहाँ पर एक चाइल्ड केयर सेंटर की स्थापना की गई है, जहाँ पर स्पेशली बच्चों का इलाज किया जाएगा जो क्या कोरोना से संक्रमित हो गए? ठीक, तो देश का पहला चाइल्ड केयर सेंटर स्थापित किया जाए बालोद, बालोद में। ठीक, फिर रायपुर, रायपुर हमको पता ही है कि रायपुर कोर्ट से पहले ऑनलाइन क्या होती रही है, वहां पर सुनवाई होती रही है। तो रायपुर में छत्तीसगढ़ का प्रथम वर्चुअल कोर्ट है ना का शुभारंभ किया गया है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम वर्चुअल कोर्ट कहाँ? रायपुर में, है ना? ऑनलाइन। अब वर्चुअल मीन्स क्या होता है कि भाई सभी जो पक्ष हैं, जो वकील हो, है ना, आपके जो क्या बोलते हैं, जिसने अपील दायर की है, वो सब क्या होंगे, एक ही जगह पर ऑनलाइन उपस्थित होंगे। तो राज्य का पहला वर्चुअल कोर्ट शुभारंभ किया जाए रायपुर में। ठीक, आपको पता ही है कि नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय सन 2020, 25 नवंबर 2020 से क्या एक नए विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ है, जो किससे अलग होकर बना है? अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से अलग होकर बना है, जिसमें आपके सक्ती, जांजगीर चांपा और रायगढ़ और सारंगढ़ बिलाईगढ़, ये जो आपके जो क्षेत्र हैं, है ना, ये जो जिले हैं, वहां के जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ के अंतर्गत आएंगे। ठीक, इससे पहले इसको संचालित करता था, यहाँ के जितने भी कोर्सेज हैं उनको संचालित करता था अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में जो स्थित है। तो शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ के जो कुलपति हैं वो हैं प्रोफेसर ललित प्रकाश पटेरिया, है ना? तो ललित प्रकाश पटेरिया शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय का कुलपति इनको बनाया गया। फिर देश का सॉरी राज्य का पहला इंक्यूबेशन सेंटर जो है एनआईटी रायपुर में स्थापित किया गया है। देश का पहला सॉरी राज्य का पहला इंक्यूबेशन सेंटर आपको पूछता है तो एनआईटी रायपुर में स्थापित किया गया उसको। ठीक, एक बहुत अच्छी खबर है कि एक बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत की जा रही है नावा रायपुर में, है ना? आईटीएम यूनिवर्सिटी जो है, आईटीएम यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर टाटा समूह के सहयोग से, टाटा ट्रस्ट के सहयोग से एक वर्ल्ड क्लास बैडमिंटन एकेडमी की शुरुआत की जा रही है। कहाँ? नवा रायपुर में। ठीक, तो रायपुर में बैडमिंटन एकेडमी, पर्वतारोहण एकेडमी कहाँ जी? आपके बस्तर में है। ठीक, फिर हम पुरातात्विक साक्ष्यों की ओर आगे अगर बात करें तो हमने बहुत सारी जगह देखे, जैसे रायपुर आपका रायगढ़ का रापको गुफा, फिर हमने देखा कि कोंडा गांव का आपका कोंडा गांव में खाल बेदी पहाड़ी, यहाँ पर मानव क्रिस्टल मिले। इसी तारतम्य में एक रायपुर में 150 साल पुरानी दादाबाड़ी भवन मंदिर का कायाकल्प किया जा रहा है। तो दादाबाड़ी भवन कहाँ है जी? आपके रायपुर में है। ठीक, ये एक तरह एक जैन तीर्थ है, दादाबाड़ी भवन एक मंदिर है, जैन मंदिर है ना? दादाबाड़ी भवन मंदिर कहाँ है जी? जैन तीर्थ है रायपुर में। ठीक, फिर बात करते हैं हम जसपुर जिले की। तो जसपुर में वहां उत्खनन के दौरान हमको लिखा आरा है ना, तो जसपुर में आपकी लिखा आरा, लिखा आरा। ठीक, जसपुर में लिखा आरा में 20,000 वर्ष प्राचीन, सोचिए कितनी, 20,000 वर्ष, 20,000 वर्ष प्राचीन शैलचित्र औजार और महापाषाणिक समाधि हमको प्राप्त हुई है। कहां से? जसपुर के लिखा आरा से। तो 20,000 वर्ष पुरानी शैलचित्र है ना हमको प्राप्त हुई है, कहां से जी? आपके लिखा आरा क्षेत्र से। फिर हम आते हैं अरण क्षेत्र से, अरण क्षेत्र के ऊपर आते हैं। अरण क्षेत्र स्थित है आपके महासमुंद जिले के पिथौरा में स्थित है ना? यहाँ अरण क्षेत्र, अरण क्षेत्र है ना, यहाँ पर है आपका कौन सा? महिषासुर मर्दनी,
यहाँ पर एक अभिलेख युक्त महिषासुर मर्दनी की मूर्ति प्राप्त हुई है, महिषासुर मर्दनी। ठीक, तो यहाँ पुरातात्विक उत्खनन से इस क्षेत्र में पिथौरा है ना, ये महासमुंद का जो क्षेत्र है ये कहाँ स्थित है, पिथौरा स्थित है ना। तो यहाँ से महिषासुर मर्दनी की क्या मिली है हमको, अभिलेख युक्त मूर्ति प्राप्त हुई है, और जिसमें पांडुवंशी शासक हर्षगुप्त और उसके पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन का उल्लेख हमको मिलता है। ठीक, और इस जो प्रपत्र है, जो अभिलेख है, उसका जो रचनाकार है उसका नाम मिलता है तारदत्त का पुत्र सुमंगल, है ना। तो तारदत्त पुत्र सुमंगल इसके रचयिता है, और ये किसके समकालीन है, पांडुवंशी हर्षगुप्त व महाशिवगुप्त बालाजुन। ठीक, तो पांडुवंशी हमको महिषासुर मर्दनी की मूर्ति कहाँ से मिली है, अरण क्षेत्र पिथौरा महासमुंद से हमको प्राप्त हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री करंट के हिसाब से। फिर हम बात करते हैं कोरबा की। तो कोरबा में बरहाझरिया हाथीमाड़ा एक सैलाश्रय है ना। यहाँ पर प्राकृतिक रंगों से उकेरे हुए भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं हमको। तो आपको पूछ सकता है कि बरहाझरिया और हाथीमाड़ा गुफा कहाँ है जी, तो कोरबा में है। कौन कौन सा, बरहाझरिया और हाथीमाड़ा, है ना, यहां से भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं हमको। ठीक, कहाँ है, कोरबा में स्थित है। फिर हम बात करते हैं धमतेश्वरी बुढ़ेश्वर मंदिर की। इस पर इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, 7वीं सदी का यह मंदिर है। ठीक, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आप भी ध्यान रखिएगा, बरहाझरिया और हाथीमाड़ा सैलाश्रय इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है मोदी। यहाँ से मोदी जो है ये जांजगीर चांपा आपके महासमुंद जिले में स्थित है। ये बागबाहरा तहसील जो है महासमुंद में, वो उसके अंतर्गत आती है। हाँ, तो मोहंदी मोहंदी के निकट महादेव पठार में एक चित्रित सलासर पेंटेड रॉक शेल्टर जो है उसकी प्राप्ति, उसकी खोज हुई है। यहाँ पर वानर समूह, रतमाना समूह, सूर्य, चंद्रमा और अन्य ज्यामिति का आकृति हमको प्राप्त हुई। अब देखिए, जितनी भी जो उकेरी हुई आपको जो शैल चित्र मिलेंगे वो अधिकतर लाल रंग या गेरुए रंग में ही हमको मिलती है, लाल पत्थरों से, गेरुए पत्थरों से निर्मित होती हैं जो। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका मोहदी, है ना, कहाँ स्थित है, महासमुंद में। तो मोहदी से आपको मिले हैं चित्रित शैलाश्रय मिले हैं, है ना, चित्रित शैलाश्रय कहाँ से मिला है जी, मोहदी से मिला है। ठीक, फिर अभी एक चीज बहुत फेमस था, लेमरू एलिफेंट रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो कोरबा में स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत दिनों से ये विवाद में रहा, ठीक, क्योंकि इसका एरिया कम करने की बात हो रही थी, है ना, तो एरिया कम नहीं करने की घोषणा की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। 1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला होगा, है ना, स्पेशली एलिफेंट्स को इसमें संरक्षित किया जाएगा, है ना। पहले कोल ब्लॉक्स के चलते इसको, इसका जो एरिया है वो कम करने की बात सामने आ रही थी, लेकिन साफ कर दिया गवर्नमेंट ने कि भाई इसका एरिया अब कम नहीं किया जाएगा। ठीक, फिर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है उसको छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। ठीक, किसको, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, कहाँ स्थित है जी, कोरिया जिले में। ठीक, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है ना, गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है वो देश का राज्य का 4th नंबर का क्या होगा, टाइगर रिजर्व होगा। इससे पहले कौन कौन से हैं, इंद्रावती टाइगर रिजर्व,
अचानक मार टाइगर रिजर्व और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, उदंती अभयारण्य और सीता नदी अभयारण्य दोनों को मिलाकर एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो ये तीन टाइगर रिजर्व के बाद चौथा टाइगर रिजर्व है आपका क्या, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का टाइगर रिजर्व। ठीक, फिर हम आगे बात करते हैं लामनी की, लमनी या लामनी है ना, ये छत्तीसगढ़ का प्रथम पक्षी सदन, एवियर, एवियरी बोलते हैं जिसको छत्तीसगढ़ी इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको एवियरी बोलते हैं, क्या, पक्षी सदन। ठीक, तो जिसमें विभिन्न प्रकार के पक्षियों को रखा जाता है संरक्षित करके, उसको बोलते हैं एवियरी, है ना। तो जगदलपुर में लमनी पार्क जो है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लमनी कहाँ है, तो लमनी है आपके जगदलपुर में, यहाँ पर एवियरी की स्थापना की जा रही है, एवियरी। ठीक, पक्षी सदन, ये छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी सदन है लमनी में, लमनी ग्राम, लमनी पार्क कहाँ, जगदलपुर में। ठीक, फिर देश का पहला, राज्य का पहला जंगल सफारी पार्क तो आपको पता ही है कहाँ स्थित है जी, रायपुर में स्थित है, लेकिन देश का राज्य का दूसरा जो जंगल सफारी पार्क है वो बनाया जा रहा है भोरम देव राष्ट्रीय उद्यान में, भोरम देव राष्ट्रीय उद्यान में क्या स्थापित किया जा रहा है, सेकंड जंगल सफारी, राज्य का दूसरा जंगल सफारी स्थापित किया जा रहा है कहाँ, कबीरधाम जिले में। 100 हेक्टेयर जमीन पर यहाँ पर जू और जंगल सफारी विकसित की जाएगी, जिस तरह से रायपुर में है आपको जू और जंगल सफारी दोनों देखने को मिलते हैं, है ना। रायपुर अगर जाते हैं आप तो वहां पर ऑप्शन भी रहते हैं आपको कि जंगल सफारी घूमना है कि जू घूमना है, जंगल सफारी घूमना है तो एक गाड़ी रहती है, इस पर आप बैठ जाएंगे, पूरे जंगल सफारी आप देखेंगे वहां पर खुले तौर पर। देखिए दोनों में अंतर है, जू में जो पशु पक्षी होते हैं वो केज में रहते हैं, उसको आप डायरेक्टली सामने से नहीं देख सकते, लेकिन जो जंगल सफारी होती है वहां पर खुले में आप पशु पक्षी घूमते रहेंगे, आप उन रास्तों से होकर घूमेंगे, है ना। तो दोनों में बेसिक अंतर यही है, जंगल सफारी और जू में। ठीक, तो देश प्रदेश का दूसरा जंगल सफारी स्थापित किया जा रहा है कहाँ, आपके कहाँ भोरंदे जी, भोरम देव। ठीक, फिर हम कबीरधाम जिले की ही बात करते हैं, तो यहाँ पर टाइगर फॉर रिवर है ना, यह एक मछली है ना, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली जिसको बोलते हैं महासीर, टाइगर ऑफ रिवर है ना, टाइगर ऑफ रिवर मछली है जिसको हिंदी में बोलते हैं महासीर मछली, ये मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय मछली है, इसको इसका संरक्षण किया जा रहा है कहाँ, कबीर धाम में। ठीक, यहाँ पर कैटफिश भी पाई गई है कबीर धाम में, है ना। तो चले आगे बढ़ते हैं, दंतेवाड़ा, तो दंतेवाड़ा में मुचनार नाला में मगरमच्छों के बच्चों को समूह को देखा गया है। ठीक, तो यहाँ पर आपको पता ही है कि सात धारा दंतेवाड़ा में कौन है, सात धारा यहाँ है ना, यहाँ सात धारा है, सात धारा यहाँ पर मगरमच्छ ब्रीडिंग पार्क, क्रोकोडाइल मगरमच्छ ब्रीडिंग पार्क की घोषणा की गई थी, ब्रीडिंग सेंटर, मगरमच्छ ब्रीडिंग सेंटर की क्या की गई थी, यहाँ घोषणा की गई थी। और इसके अलावा कहाँ जी, बोध घाट, यहीं पर क्या है, बोध घाट है, यहाँ पर क्या आपका मगरमच्छ पार्क प्रस्तावित है ना। तो सात धारा जो है दंतेवाड़ा में, वहां पर किसको देखा गया है, मगरमच्छ के बच्चों के समूह को देखा गया है। ठीक, फिर हम बात करते हैं नारायणपुर की, तो नारायणपुर में जो अबूझमाड़ क्षेत्र है वहां पर एक ग्राम है गुदाड़ी। ठीक, यहाँ पर माँ की प्राप्ति हुई, बहुत ही दुर्लभ जीव है नारायणपुर में इसकी प्राप्ति हुई है, और किसकी, गुदामी गुदाड़ी ग्राम है ना, यहाँ पर माउस बियर, माउस बियर है ना, माउस बियर एक दुर्लभ प्रजाति का जीव है ना, इसकी प्राप्ति हुई है। इसके अलावा
ऐसी ही प्राप्ति उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में हुई है, जहां पर एक पहाड़ी कछुआ प्राप्त हुआ है जो केवल कितने सेंटीमीटर का है, 12 सेंटीमीटर का है। तो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व से दुर्लभ कछुआ प्राप्त हुआ नारायणपुर से, माउस डियर, डियर बोल दिए क्या, माउस डियर प्राप्त हुआ है ना, माउस डियर, दुर्लभ माउस डियर है ना, ये प्राप्त हुआ है कहाँ से, आपके नारायणपुर से। और आपके दुर्ग के चरोदा में एक जोकर बटरफ्लाई, एक प्रकार की जो तितली की प्रजाति है, उसकी प्राप्ति हुई है, जोकर बटरफ्लाई चरोदा दुर्ग से इसकी प्राप्ति हुई है। ठीक, वहीं पर केसकाल कोंडा गांव में क्षेत्र में एक दुर्लभ प्रजाति के सांप सेंड बोआ, क्या सेंड बोआ है ना, ये इसकी खासियत ये है कि इसके दोनों ओर क्या होते हैं, मुंह होते हैं सांप के, है ना, और इस इसकी खासियत ये है कि भाई इस सांप से कैंसर की दवाइयां बनती हैं। ठीक, सैंड बोआ बहुत इंपॉर्टेंट है, केसकाल कोंडा गांव से प्राप्ति हुई है। सैंड बोआ दो मुहा सांप होता है, दो मुहा मीन्स दो तरफ वाली सांप होती है, उसके मुंह पूंछ नहीं होती, यानी पूंछ की ओर भी मुंह होंगे और सामने की ओर भी मुंह होंगे, है ना, और इससे किसके इलाज किया जाता है, कैंसर से संबंधित दवाइयां बनाई जाती हैं। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर है विभिन्न जिलों से संबंधित जो थे, है ना। अब पर्यटन की बात करते हैं, तो पर्यटन में अपन आगे बढ़ते हैं, तो दुर्ग में देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल प्रस्तावित किए गए हैं, है ना। इससे पहले मानव निर्मित जंगल सफारी है ना, जो कौन था, नवा रायपुर का आपका जंगल सफारी था, है ना, अब कहाँ प्रस्तावित है, दुर्ग में। ठीक, तो दुर्ग में देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल, तो मानव निर्मित जंगल, देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल कहाँ प्रस्तावित है, दुर्ग में प्रस्तावित है। नंदनी जो खान है, वहां पर जो अतिरिक्त भूमि है करीब 885 एकड़ की, है ना, वहां पर ये प्रस्तावित है। ठीक, अब देखिए छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबल टूरिज्म सर्किट की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत करीब है ना ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट की घोषणा की गई, जिसमें 13 स्थानों का चयन किया गया है, 13 स्थानों को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक, उसमें से कुछ प्रमुख हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से चालू करते हैं, तो हम आते हैं आपके सरगुजा में, तो सरगुजा में सैला रिजॉर्ट है। ठीक, सरगुजा में कौन सा है, सैला रिजॉर्ट। अभी सैला क्या है जी, सैला से आशय है एक प्रकार के जनजाति नृत्य है, नृत्य है ना, तो सरगुजा में सैला रिजॉर्ट स्थापित किए गए। आपको पूछेगा सैला रिजॉर्ट कहाँ है, तो सरगुजा। अब देखिए जनजातियों से संबंधित जो शब्दावलियां हैं उनका प्रयोग किया गया है रिजॉर्ट और एथनिक क्या जो पर्यटन केंद्र है उनमें, है ना, तो सैला रिजॉर्ट एक प्रकार का जनजातीय नृत्य, सैला रिजॉर्ट है कहाँ, सरगुजा में, और सैला क्या है, एक प्रकार का नृत्य है ना। फिर आते हैं हम जसपुर में, तो जसपुर में सरना एथनिक रिजॉर्ट की स्थापना की गई है, क्या सरना एथनिक रिजॉर्ट। ये अब सरना क्या है, ये सरना जो है ये उरांव जनजाति की इष्ट देवी है, कौन, सरना देवी। तो जसपुर में सरना, सरगुजा में सैला। फिर कुरदूर या कुरदूल है ना, हिल्स इको रिजॉर्ट है ना, तो कुरदूल हिल्स इको रिजॉर्ट जो वो है एक प्रकार का एक हिल स्टेशन है, कहाँ है जी, बिलासपुर में है। ठीक, कहाँ, कुरदूर या कुरदूल हिल्स इको रिजॉर्ट पहाड़ी क्षेत्र या हिल स्टेशन कहाँ है आपका, बिलासपुर बिलासपुर में है। ठीक, फिर आते हैं हम कवर्धा में, कवर्धा में है बैगा एथनिक रिजॉर्ट। ठीक, बैगा देखिए आप, पता है आपको कि बैगा क्या है, मेडिसिन मैन ऑफ गोंड बोला जाता है ना, तो गोंड जनजाति के इनको जाता है,
मैं कल श्रेणी क्षेत्र में गोंड जनजाति जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, गोंड और बैगा और अगरिया, ठीक। तो अगरिया, बैगा और गोंड ये पाए जाते हैं आपके मैकल पर्वत श्रेणी क्षेत्र में। तो मैकल पर्वत निवासी एक जनजाति है बैगा, इन्हीं के नाम पर बैगा एथनिक रिजॉर्ट की स्थापना की जा रही है आपकी, कहाँ? कवर्धा में। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि भाई बलौदा बाजार भाटापारा में हरेली इको रिजॉर्ट है। अब देखिए हरेली क्यों, अब देखिए ये जो क्षेत्र है महा तंत्र का हिस्सा है, महानदी बेसिन का हिस्सा है और बहुत ही सर्वाधिक जो दो फसली खेती होती है वो इसी क्षेत्र में होती है, तो इसे संबंधित है। तो हरेली का इको रिजॉर्ट जो है वो कहाँ है आपका? बलौदा बाजार भाटापारा में इसको स्थापित किया गया है। बार नवापारा अभयारण्य से ये संबंधित है, ठीक। तो सावन अमावस्या मनाया जाने वाला एक पर्व है हरेली, ठीक। तो हरेली पर्व के नाम पर हरेली इको रिजॉर्ट कहाँ? बलौदा बाजार भाटापारा में स्थापित किया गया है, ठीक। फिर हम आगे बढ़ते हैं कोंडा गांव। तो कोंडा गांव में धनकुल एथनिक रिजॉर्ट की स्थापना की गई। अब धनकुल क्या है जी? धनकुल एक प्रकार का पर्व है, गीत है, इसके अलावा वाद्य यंत्र भी है धनकुल। तो धनकुल एथनिक रिजॉर्ट है आपका कहाँ? कोंडा गांव में, ठीक। फिर आगे बात करते हैं बस्तर की। तो बस्तर में आपको पता है यहाँ पर मुड़िया माड़िया जनजाति पाई जाती है ना। तो दंडामी माड़िया के नाम पर दंडामी रिजॉर्ट की स्थापना की है। बस्तर क्षेत्र की जनजाति है दंडामी माड़िया, इन्हीं के नाम पर दंडामी रिजॉर्ट की स्थापना की गई है, ठीक। इसके अलावा कुछ और स्थल हैं जैसे सरोदा दादर एथनिक पर्यटन ग्राम, ठीक, गंगरेल इको एथनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन प्लेस है ना। गंगरेल कहाँ है? कहाँ है जी गंगरेल बांध? कहाँ है जी? सुना है कि नहीं तुम लोग? याद नहीं आ रहा धमतरी में है, कैसे भूल जाते हो? बोल। हाँ समझे। तो यहाँ पर गंगरेल एथनिक रिजॉर्ट यहाँ पर है ना। अब एकदम ये एथनिक ये सब याद नहीं रखना, लेकिन आपको याद रखना है कि कौन कहाँ संबंधित है। अब हमेशा उसी क्षेत्र की विशेष जो चीज होगी उसी के नाम पर रखा जाता है। तो गंगरेल एथनिक जो टूरिस्ट रिजॉर्ट क्षेत्र है या रिजॉर्ट है वो स्थापित किया जा रहा है कहाँ? आपके धमतरी में, ठीक। फिर है आपका सरोदा दादर, ठीक। तो सरोदा दादर एथनिक पर्यटन ग्राम, ठीक, सरोदा। तो सरोदा दादर जो है ना एथनिक, इसको इसका नाम क्या पता है? एथनिक जोहार टूरिस्ट रिजॉर्ट है ना, क्या? कवर्धा में है ना, चिल्फी घाटी में स्थापित किया जा रहा है। क्या बोले सर इसको? इतनी जोहार। जोहार सरोदा दादर एथनिक जोहार पर्यटन ग्राम चिल्फी घाटी, यहाँ सरोदा दादर ये भी एथनिक रिजॉर्ट है ना। इसको जोहार नाम से पुकारा गया है ना, एथनिक रिजॉर्ट है, ठीक। फिर आते हैं हम कुनकुरी में। कुनकुरी जो जसपुर है वहां पर एक सुविधा केंद्र की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा नथिया नवा गांव मार्ग सुविधा केंद्र की स्थापना की जा रही है ना, क्या? नथिया नवा गांव। तो नथिया नवा गांव कहाँ स्थित है आपका? कांकेर जिले में, याद रखिएगा, ठीक। तो नथिया नवा गांव यहाँ पर एक त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर अभी है ना, यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या स्थापित किया जा रहा है? एक सुविधा केंद्र की स्थापना की जा रही है, ठीक। इसके अलावा चित्रकोट में भी एक एथनिक रिजॉर्ट की स्थापना की जा रही है, कहाँ? यही है आपका बस्तर में ही, चित्रकूट में। चित्रकूट में भी इको एथनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस डेवलप किए जा रहा है। कोंडा गांव में भी है, उसका नाम मैंने बता ही दिया कि धनकुल है ना। जगदलपुर में भी
किया जा रहा है जिसका नाम है दंडामी रिजॉर्ट, है ना। कुछ निर्माणाधीन भी हैं जैसे तीरथगढ़ इको एथनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेट प्लेस, सॉरी क्या, तीरथगढ़, तीरथगढ़, ठीक। तो तीरथगढ़ इको एथनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा पार्ट में मैंने आपको बताया कि सैला रिजॉर्ट की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा कमलेश्वरपुर, कमलेश्वरपुर फेमस रहा है, पता है कहाँ है, कहाँ है जी? कहाँ है? सरगुजा में है। कैसे कर रहे हैं आप लोग? कमलेश्वरपुर सरगुजा में स्थित है ना। यहाँ पर भी क्या सब किया जा रहा है, एक इको एथनिक टूरिस्ट रिजॉर्ट की स्थापना की जा रही है। महेशपुर है, ये पूछेगा आपको, स्थल सब पर्यटन स्थल है ना, इनके जिले पूछते हैं आपको, आप लोग ऐसे में कैसे चलेगा, इसको ध्यान रखिए। तो आपका कमलेश्वरपुर है, ये कहाँ है, सरगुजा में है। महेशपुर है ना, ये भी सरगुजा में है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के तहत इसको डेवलप किया जा रहा है। कितने स्थलों को? 13 स्थलों को, है ना। तो यहाँ पर सरगुजा में, महेशपुर और कमलेश्वरपुर, फिर टूरिस्ट पुलिस की शुरुआत की गई है कहाँ से? गरियाबंद से, है ना। कहाँ? गरियाबंद में। गरियाबंद जो एसपी हैं पारुल माथर, उनकी पहल पर टूरिस्ट पुलिस का शुभारंभ किया गया है कहाँ? गरियाबंद से, ताकि टूरिस्ट को असुविधा ना हो, तो पर्यटन क्षेत्र में पर्यटकों को असुविधा ना हो, इसलिए टूरिस्ट पुलिस की स्थापना की गई है कहाँ? गरियाबंद में, ठीक। इसके अलावा नवा रायपुर में, है ना, कहाँ? नवा रायपुर, नवा रायपुर, यहाँ पर स्थापना की जा रही है सेवाग्राम की, ठीक। किसकी? सेवाग्राम की। तो आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर गांधी जी के आदर्शों से प्रेरित होकर उनकी स्वराज की संकल्पना को संजोने के उद्देश्य से स्थापना की जा रही है किसकी? सेवाग्राम की, ठीक। महाराष्ट्र में जो एक्चुअल में जो सेवाग्राम है वो महाराष्ट्र में, ठीक। तो और इसके अलावा कहाँ है? वही वर्धा महाराष्ट्र में। तो उसी से प्रेरित होकर रायपुर में भी स्थापना की जा रही है कहाँ? नवा रायपुर में सेवाग्राम की। फिर कुआकोंडा, पहला स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया है कहाँ? कुआकोंडा में, है ना, कोंडागांव जिले में स्थित है ये। तो कोंडागांव में कुआकोंडा में प्रथम स्टील ब्रिज की स्थापना की जा रही है, ठीक। फिर डोंगरगढ़, यहाँ पर पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है। अब आपको पता ही है कि जो डोंगरगढ़ है ना, क्या डोंगरगढ़, इसको प्रसाद योजना के तहत, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना एक प्रसाद, है ना। अब यहाँ पर किसका मंदिर है जी? बम्बलेश्वरी माता का मंदिर है ना। और ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? प्रज्ञागिरी पहाड़ी, है ना। तो प्रज्ञागिरी पहाड़ी कहाँ? कवर्धा, कहाँ जी? राजनांदगांव जिले में। तो राजनांदगांव जिले में आपकी प्रज्ञागिरी पहाड़ी है ना, उसमें डोंगरगढ़ स्थित है। डोंगरगढ़ में बम्बलेश्वरी माता मंदिर है। तो इसमें प्रसाद जो परियोजना है, इसमें करीब 36 स्थलों का सिलेक्शन किया गया है जिनको पर्यटन के रूप से डेवलप करना है। तो उनमें से डोंगरगढ़ को भी एक शामिल किया गया है। वहां पर क्या, जो श्रद्धालु है ना, उनकी सेवा के लिए पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना, ठीक। इसके अलावा एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया है? मेला मैदान रायपुर में इसका किया गया है ना।
अब इसी से संबंधित चीज यह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिजनेस में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, ये आपको पूछेगा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ का स्थान छठवें नंबर पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्चुअल में वर्ल्ड बैंक जारी करता है, तो उसी की तर्ज पर देश में भी 36 राज्य व जो यूटीज हैं है ना, उन उनके उनका क्या रैंकिंग किया गया है, तो छत्तीसगढ़ इसमें छठवां स्थान प्राप्त है। अभी एक नई चीज हुई है कि भाई जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ना, SRI सर्कल जिसको बोलते हैं, उन उसमें मुंगेली को शामिल कर लिया गया है। ठीक, तो मुंगेली जो है उसको नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में शामिल किया गया है, जबकि बालोद को सूची से हटा दिए गए हैं। ठीक, तो बालोद हट गए हैं, मुंगेली उसमें शामिल हो गए हैं। चलिए आज ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा है ना, 1 घंटे की क्लास लगभग आपकी हो चुकी है। ठीक, कल हम आगे बात करेंगे कुछ और स्थलों के बारे में, जैसे टूरी हटरी है, रामवनगमन मार्ग है। रामवनगमन मार्ग के बारे में आपको पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा कि कहाँ पर कौन सी स्थल हैं, उनका महत्व तो क्या है, कितने स्थलों को इसके अंतर्गत चिन्हित किया गया है, कितने स्थल डिटेक्ट करते हैं कि यहाँ पर है रामवन मार्ग के, और कितने स्थल को इनमें से चिन्हित किया गया डेवलप करने के लिए। ठीक, और किस कहाँ से इन पता चला कि ये वार जो राम भगवान के क्या है स्थल है। ठीक, तो अपन कल इस पर बात करेंगे। ठीक, आज के लिए क्लास इतना ही। ठीक, अगले मिलते हैं अपन।